नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने आज कुछ गाउन की ड्रेसेस लेके आया हूँ। ड्रेसेस एक तो ये देखिए, हमने सैम्पलिंग करी है कुछ इस तरह की, जो कहते थे गैदर में चाहिए, ये गैदर वाला। थोड़ी सी रेंज जरूर भाग रही है, ये रेंज है, ये सैम्पल बनाया है इस तरीके से। इसकी जो स्लीव्स बनाई हैं वो भी इस तरीके से बनाई हैं। 4395 रुपये। मैं इसको थोड़ा सा आगे करके दिखा रहा हूँ आपको। 4395 में, ताकि इसकी गैदर पता चले आपको। ये देखिए, ये इस तरीके से पूरी आ जाती है। उधर से पकड़िए आप, उठाइए थोड़ा सा। ये इस तरीके से नीचे से, नीचे की साइड दिखाइए, नीचे की साइड। और ये पीछे से दिखा रहा हूँ, मैं घुमा रहा हूँ। ये देखिए, जो इस तरीके से चल रही है। अभी ये फर्स्ट पीस बनाए हैं, तो आप बताएंगे तो मैं इस पर आगे कार्रवाई करूँगा। हटाइए इसको, दूसरा चेंज कीजिए। इसमें मैंने दो तीन डिज़ाइन बनाए हैं, इसे ले लो। एक ये देखिए, ये भी मैंने आपको पीछे से दिखाया है। इसके देख, उधर से लो, नीचे से ज़्यादा। इसका डिज़ाइन अलग ही है। यहाँ से और उधर साइड में हो आप, और उधर चले जाओ, चाहे उठा के उधर ले जाओ। ये देखिए, ये 4695 में है, 4695 रुपये। आगे इसका डिज़ाइन इस तरीके से ये लिया है, हैंडवर्क का पूरा कस्टमाइज आपको अपने यहाँ ही कराना पड़ेगा। और मुझे ये पता है कि इट्स नॉट ईजी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो जिनकी हाइट परफेक्ट है उनको तो इतनी दिक्कत नहीं आती, जिनकी हाइट वो है। ये देखिए, ये 4695 का है, सैंपल्स बनाए हैं। ये ले लो, नहीं बस आप उठा लो। दो डिजाइन और बना के मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक ये डिजाइन बनाया सिल्क पे इस तरीके से, ये इसका बटन और चेन हो गई यहाँ पे। इसका वो कहाँ गया, उठा के नहीं रखना था। चलो कोई नहीं, अब ये इसे पकड़ेंगे आप। ये इसका चोली हो गई, ये देखिए फ्रंट क्लोज अप आ रहा है। क्या इंच के थे, 2200 रुपये का। ये बैक हो गई, ये फ्रंट हो गया। बैक में भी हमने ये देखिए दिया हुआ है। और इसका स्लीव्स का कपड़ा जो है ये अंदर लगाया हुआ है, ये स्लीव्स का कपड़ा है। यदि किसी को स्लीव्स लगानी हो तो स्लीव्स भी लगा सकता है। इसमें भी चार कलर बनाए हैं, एक वो हो गया, इसका बहुत देर उठा दो मुझे। ये इसमें दूसरा कलर इस तरीके से निकल जाओ, उधर से उनसे नहीं हो रहा, झुक के हाँ निकल जाओ। इसको वो उठा दो मुझे, ये तो ये देखिए, ये इसका ब्लाउज हो गया फ्रंट, और सब में दुपट्टा साथ में, दुपट्टा एक कोई सा भी पिस्ता का उठा दो, किसी का भी उठा दीजिए आप। ये सबसे पहले इसका पिस्ता का ही उठा के दिखा रहा हूँ। अब ये दुपट्टा भी जो हमने लिया है वो इस तरीके से लिया है। एक तो डबल नेट लगा दी, लोग इसमें सिंगल नेट इस्तेमाल करते हैं, डबल नेट ये इस तरीके से घुमा के भी ले सकते हैं आप। ये देखिए, इस तरीके से भी लिया जा सकता है इसको, मतलब जिसको जैसे लेना है ऐसे घुमा के ले लिया, ऐसे ले लिया, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल आप इसके डिज़ाइन बना सकते हो। बहुत आराम से आप डिज़ाइन बना सकते हैं इसके, जिसको जैसे मन करे। सिंपल सी बात यह है, ये अलग अलग तरीके से दुपट्टा लिया जाता है। एक और चीज़ दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिए गाउन, ये इस तरीके से नीचे घेरा रहा। इसके संग जो दुपट्टा दिया है वो अलग दिया है, कोशिश करिए। ये देखिए इस तरीके से,
1950 1950 रुपये 1950 का था ना ये 1950 यार। इसमें दूसरा कलर इसका ये दुपट्टा किसका है इसका ये शायद चुप रहो। ये देखिए अभी लाइए वोट है इसका यही है पको बनारसी स्टाइल में दुपट्टा उसको ऐसे ऐसे ही करके लिया जाएगा। ये देख लेते हैं जिसको जैसे पसंद है इस तरीके से लाइए। इसका मैचिंग का वो दुपट्टा तो उठाते पीछे से घुमा के पीछे से बैक से भी दिखा दिए पीछे से इस तरीके से ये काम रहा। ये भी 1950 दुपट्टा अभी ये दुपट्टा भी पैडिंग दो कलर में लिया इधर डार्क लिया और इधर लाइट लिया। तो इसमें क्या है डार्क में ले लो या लाइट में ले लो जिसको जैसी पसंद हो उस तरीके से लिया जा सकता है। ऐसे ले लीजिए ऐसे ले लो जिसको जैसे मन करे दो तीन तरीके से सबके प्राइस सेम है 1950। ये इसमें मैचिंग में लिया वाइन कैसे ये देखिए 1950 लो बोला ना। एक ये देखिए करे ये देखिए ये इस तरीके से लिया है इसमें भी गैदर पूरा है। अभी ये आ गया मैं पास में रख दे रहा एक्चुअल में ये इसलिए दिखा रहा हूँ दो तीन जगह से कि लाइट का इफेक्ट आता है। ये देखिए इधर से देखो ठाई है थोड़ा सा आ गया चुन्नटे जो ये डाली है ना गैदर मेन तो गैदर का ही है खेल है। ये जो गैदर है ये नीचे पूरा इस तरीके से जो आता है इसका बैक से दिखा रहा हूं मैं आपको पीछे की साइड से। ये देखिए पीछे की साइड भी पूरे में काम है 4695। अभी ये मैंने सैंपल्स बनाए हैं आप कहेंगे आपको पसंद आते हैं तो इसमें फिर मैं प्रोडक्शन में माल डाल दूंगा। फर्स्ट सैंपल्स बने हैं अब जैसे कहेंगे वैसे करूंगा। एक ये बनाया थोड़ा सा इधर कर दीजिए। ये देखिए ये फ्रिल में इस तरीके से कोशिश करिए बनाने की साइड में चेन है इसकी साइड में सबकी चेन होती है पहना जाता है। इनके दुपट्टे नहीं दिखाए ये देखिए हटा लो और मन की बात में सबसे पहले तो मैं सॉरी कह सकता हूँ। एक्चुअल में पीछे काफ़ी दिनों से स्टाफ नहीं है चार में से सिर्फ एक आदमी था तो एक आदमी भी जिस कैपेबिलिटी से काम करना है वो नहीं कर पा रहा था। अब आज एक आदमी आया है कोशिश कर रहे हैं रिप्लाई करने की या वो सब करने की। सबसे पहले उन आदमियों के पीसेस भेजे जाते हैं जिन्होंने पेमेंटें करी हुई हैं। ऑल दो मुझे पता है पीछे थोड़ा सा लेट हो गया सबका मजबूरी है मैं सॉरी कह सकता हूँ इससे ज़्यादा नहीं कह सकता। और जिसको भी जिन्होंने पेमेंटें करी हुई हैं भाई उनके यदि किसी को कस्टमर को ऐसा लगता है तो डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा लेट हो गया आपको पेमेंट चाहिए मैं आपको पेमेंट रिटर्न कर दूंगा
काफ़ी सारे आदमियों ने पेमेंट करी, जिन्होंने सीओडी पे भेजा हुआ उनके लिए, उनको इससे भी मैं सिर्फ सॉरी कह सकता हूँ, क्योंकि स्टाफ ना होने की वजह से मैं भी कितना करूँगा, मैं प्रोडक्शन में नहीं ध्यान दे पा रहा। यदि मैं रिप्लाई करने में और इस सब चीज़ में कर दूंगा तो मैं प्रोडक्शन पे ध्यान नहीं दे पा रहा, तो फिर बात नहीं बनेगी। तो वो स्टाफ अलग रखा हुआ है, जो रिप्लाई करते हैं, जो डिस्पैच करते हैं, वो सारा का सारा स्टाफ अलग है, टीम अलग है। वो टीम सारी की सारी छुट्टियां थी भाई, किसी घर में शादी है, कोई होली पे चला गया, अभी तक नहीं आया, कोई कुछ करा, कोई किसी इलेक्शन की वजह से चला गया, फसल कट रही है, लॉट्स ऑफ वेज, लॉट्स ऑफ रीजंस आ दिया, तो पूरी टीम वो बिखरी हुई थी। खैर जल्दी अब जैसे ही वो होगा तो सब सुधर जाएगा, वापसी सब सिस्टम से आ जाएगा, तो ये तो मजबूरी है, पार्ट ऑफ लाइफ। वो वाली बात अलग है कि किसी के संग जिसको टाइम से मिल गया, टाइम से हो गया, उसके लिए तो सही है, जिसको नहीं मिला, डिले हो गया या रिप्लाई नहीं हो पाए, तो वो नाराज है, भाई बे तो मैं कुछ कर नहीं सकता इस चीज़ के लिए, मेरे पास कोई हल ही नहीं है, कोई तरीका ही नहीं है, मैंने बहुत सोचा, सब कुछ किया, लेकिन मेरे पास कोई हल नहीं है इस चीज़ का। एनीवे हम कोशिश कर रहे हैं इस पर भी काम करने की, वर्कआउट करने की, और इसलिए हमने जो कोशिश करी थी वो ऐप के थ्रू करी थी। तो फिलहाल तो जब यहाँ पे काम नहीं हो रहा तो ऐप पे अपलोडिंग कौन करेगा, ऐप पे अपलोडिंग भी नहीं हो पा रही, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक गया। मैंने पीछे 2-3 दिन वीडियो नहीं डाली, कल की वीडियो भी वो बाई चांस डल गई, आज जरूर सॉरी कहने की वजह से ये मैंने वीडियो लेके आया हूँ। तो बेस्ट वे ये है कि आप मेरी शॉप पर आ जाइए, तो यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा। ये तो मतलब ये वो वाली थोड़ी सी ये जो सिचुएशन हुई, इसमें ये समझिए कि जैसे उड़द की दाल होती है, किसी के लिए बादी किसी के लिए स्वादी, पुरानी कहावत है, उड़द की दाल है किसी के लिए बादी किसी के लिए स्वादी, किसी के तो बादी कर दी जाती है, किसी को बहुत टेस्ट आता है। तो वही पोजीशन ये, जिसका लेट हो गया, रिप्लाई नहीं हो पाया या लेट हो गया तो वो गुस्सा हो रहा है, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है, मैं ये नहीं कह रहा, गलती हमारे यहाँ से हुई है। यदि मेरी टीम ने आपको गलत जवाब दिया, आंसर नहीं दे रहे या कुछ भी इस तरीके से कर रहे हैं, तो आई नो दैट सारा का सारा हरेक जना तो मेरे विश्वास पे, मेरे उस पे ले रहा है। कोशिश करते हैं कि ऐसा ना हो, कुछ भी हो, सब चीज़ें प्रॉपरली चेक हो के जाएँ, डबल चेक हो, रिप्लाई होता रहे, सब चीज़ों के लिए कोशिश है, देखते रहते हैं। अब वो दिखाइए, एक दीजिए फाइल उठाइए, एक चीज़ मैं दिखाना चाह रहा हूँ, और ये चीज़ इसलिए, अब किस लिए पहले आप देखिए, उसके बाद बात करेंगे कि किस लिए। ये इलेक्ट्रिसिटी की फाइल है, बिजली की, मेरे पास तो जैसे कई काफ़ी सारे मीटर्स हैं पास में, वहाँ से आ रहा है एक एक वर्ड क्लियर, या और पास में आऊँ, पास में आऊँ, ये देखिए अब क्लियर आ रहा है। इधर की ये वाली लाइट जलाना, सबसे ऊपर इधर, सब सेकेंड नंबर की रो में ये वाला बटन, यस, नाउ इज इट क्लियर, ठीक है। ये देखिए, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया होगा, हमने भी अभी ध्यान दिया है, पेंशन एंड सरचार्ज, पेंशन एंड सरचार्ज चार्जेस, ये सब बिलों पे लग के आ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में। अभी हम सब की बात करेंगे धीरे धीरे, इलेक्ट्रिसिटी में किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, 3.8% 1991 रुपये, 1920 रुपये, 1920 का बिल है, जिसपे 72 रुपीज़ 95 पैसा ये पेंशन एंड सरचार्ज का लग के आ रहा है, 1890 76.45 पैसा, ये 290 रुपये का बिल है, इस पर 114 रुपीज़ 60 पैसा। मतलब मेन बात ये कहने की है, कोई भी गवर्नमेंट हो, मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी चीज़ जना हो, कोई अपनी जेब से नहीं दे रहा। हर एक जना कहता है हम बिजली फ्री, पानी फ्री, ये फ्री, वो फ्री, क्या हो रहा है? आपने फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए, क्यों फिक्स चार्जेस बढ़ा दिए? डिपॉजिट मनी बढ़ा दी, डिपॉजिट मनी पे उससे इंटरेस्ट भी आएगा, वो सब होगा, इस तरीके से चार्ज, व्हाट डू मीन बाय दिस यार? इससे मतलब क्या होता है, किसे समझा रहे हो आप पब्लिक को? जो मैंने भी अब देखा है पिछले 1.5 साल से लगते आ रहे हैं, ये नहीं ध्यान दिया, अभी बाई चांस लोड कम करवाने की वजह से मैंने देखा, तो उन्होंने कहा कि ये इस तरह के सरचार्जेस लगे आ रहे हैं। अपने आप लोड बढ़ा दिया, क्यों? लोग कह रहे हैं हम आपको ये फ्री देंगे, हम वो फ्री देंगे, हम, आप समझदार हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं, आप समझदार हैं, हर एक जना बेवकूफ़ बना रहा है, जो जितने आराम से हो, जितने अच्छे से बन जाओ,
लोग नए। और एक बात और भी है, जितना ज़्यादा झूठ को हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, ये बहुत पुरानी कहावत है। और बड़े बड़े जो लोग हैं जो इस चीज़ में कहते हैं, वो लोग यही कहते हैं, कहते हैं यदि झूठ को कस कस के बोला जाए, जो बार बार बोला जाए, रिपीट किया जाए, तो लोग उसको ही सच मान लेते हैं। सच्चाई है, हम कस कस के झूठ बोलेंगे और जोर जोर से बोलेंगे तो लोग सच मान लेते हैं। सारे पॉलिटिशियंस का यही है रवैया है। आज तक किस आदमी ने ये नहीं किया, सिर्फ पब्लिक को बेवकूफ़ बनाना कि हम आम आदमी हम विश्वास कर लेते हैं जल्दी से सब लोगों पे, हम सब लोगों पे विश्वास कर लेते हैं इसलिए बेवकूफ़ बना रहे हो। यार अपने तो नहीं समझ आ रहा। आज हम यदि जल दिल्ली जल बोर्ड का ही हम आपको दिखाता हूँ, तो उन्होंने सीवर चार्जेस इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, इतने ज़्यादा बढ़ा दिए, पूछो नहीं उसके बाद भी कहाँ कहाँ सीवर डाले हुए हैं। पानी की तो पानी का भी हमें नहीं समझ आता कि पानी की किस तरीके से आप फैसिलिटी तो ढंग से दे नहीं रहे हो, दे नहीं पा रहे, पानी के ढंग से फैसिलिटी दे नहीं पा रहे, सीवर सर चार्जेस इतने ज़्यादा लगा दिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होने चाहिए, डिफरेंस समझिए, लेकिन कितना। आज जैसे हमने दुकान में पानी का वो लगाया हुआ है, कमर्शियल मीटर लगा हुआ है, यार मैं पानी बेच रहा हूँ, मैं पानी बेच रहा हूँ। अब कमर्शियल रेट में जो पानी बेचता है, जो सर्विस दे रहा है, अब उसको लगाओ तो समझ आता है आप कितने ज़्यादा चार्जेस, कितने ज़्यादा चार्जेस। फिर तो बढ़िया है कि मतलब ऐसे ना करके, वो लोग सही हैं जो कहते हैं कि रेजिडेंशियल मीटर लगा दो और जो ब्लाइंड मैन आ रहा है उसको कुछ 100-200 रुपए दे दिए, उन्होंने कहा वो दैट इज़ द बेस्ट वे। वी आर फूल, हम बेवकूफ़ हैं, और हमारे जैसे जितने भी ईमानदार आदमी हो सारे के सारे बेवकूफ़ हो गए, तो सारे के सारे बेवकूफ़ हो गए ना इसका मतलब। तो वो ज़्यादा मतलब बेवकूफ़ जो वो समझदार जो आदमी वो रहे जो ने 100-200 रुपए दे के कहते हैं रेजिडेंशियल मीटर, और मीटर की भी ज़रूरत क्या है, कहते हैं वैसी लाइन डाल दे 200 रुपए 300 रुपए 500 रुपए ले जा, हम ज़्यादा भरते हैं। कहने का नहीं, ईमानदारी से चलना है, गवर्नमेंट को टैक्स देना है। सर गलत है, सिस्टम गलत है, हमारी गवर्नमेंट ने सिस्टम गलत बनाया हुआ है, इतने ज़्यादा गलत बनाया हुआ है कि लोगों को मजबूर किया हुआ है चोरी करने पे। जो ईमानदार है वो परेशान रहता है, जो चोर है वो खुश रहता है, मज़े में रहता है, कहता भाई क्या फ़र्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ उस गवर्नमेंट को चुनना है, उस पर ध्यान देना है जो बेवकूफ़ ना बनाए, लोगों को झूठे सपने ना दिखाए, झूठे वादे ना करे, हमारा और हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुधारे। आप देखिए, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा, आपने सोचना है, आपकी अंतर्मात्मा से पूछो कि कौन क्या करेगा। लोगों के बहकावे में मत आओ, वोट ज़रूर डालें। और इन चीज़ों को यदि जो भी एनजीओ वगैरह देख रहे हैं, जो इस तरीके एनजीओज हैं, लोग समाज सेवा करते हैं, मतलब समाज वही होते हैं एनजीओज वगैरह में, तो वो लोग इस चीज़ को मुद्दे को उठा सकते हैं, उठा सकते हैं। हमारे बहुत सारे वकील इस तरह के हैं जो इस तरह की एप्लीकेशन लगा सकते हैं कि भैया ये क्यों आप किस तरीके से चार्जेस लगा रहे हो, किस तरीके से आपने इस तरीके से पब्लिक को परेशान कर रहे हो, आप अननेसेसरी उनसे फालतू ले जा रहे हो। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए, इन मुद्दों को उठाइए, ज़रूर एक दिन देश परिवर्तित होगा और हम लोगों को इन सब चीज़ों का फ़ायदे होंगे। आप लोगों का धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।